हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम नए तरीके से टेस्ट में एकदम लाजवाब और डिलीशियस ढाबा स्टाइल गवार की सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो यही तरीके से बार बार बनाना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल गवार की सब्जी। गवार की सब्जी बनाने के लिए 250 ग्राम गवार लिया है। गवार हमें एकदम पतला और कौवला गवार लेना है। जो बीज वाला गवार आता है वो हमें नहीं लेना है। गवार का दोनों साइड का पोर्शन थोड़ा तोड़ के निकाल देना है, यानी कि दोनों साइड की थोड़ी थोड़ी डंडी हमें निकाल लेना है और एक गवार का दो पीस इस तरह से कर लेना है। गवार को पानी डाल के अच्छे से धो लेंगे। इस तरह से अच्छे से मसल के इसे धो लेना है। इस तरह से पानी में से निकाल लेंगे और एक बार इसे साफ पानी से धो लेंगे। पानी में से निकाल लेंगे। फ्रेश मसाला बनाएंगे। 6 से 7 कली लहसुन की खरल दस्ते में डालेंगे। 2 टेबलस्पून मूंगफली। मूंगफली को भून के इसका छिलका निकाल लिया है। 2 टीस्पून सफ़ेद तिल। 1/4 कप बेसन की सेव डालेंगे। अगर आपके पास पापड़ी गांठिया है तो वो भी आप डाल सकते हैं और इसे कूट लेंगे। इसे मिक्सर जार में ग्राइंड नहीं करना है, इस तरह से कूट के ही लेना है। मूंगफली और लहसुन को अच्छे से कूट लिया है। 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। वापस इसे थोड़ा कूट लेंगे। इसमें सभी चीज़ें एक साथ में डाल के कूटना नहीं है। हमने लहसुन, मूंगफली, तिल और सेव डाल के कूट लिया, उसके बाद हमने मसाले डाले, तो इसी तरह से कूटना है। अगर आप मसाले भी साथ में डाल के कूटेंगे तो पाउडर अच्छे से बनेगा नहीं। मसाले को अच्छे से कूट के मिक्स कर दिया है और इस तरह से हमें रफली ही कूटना है। आप देख सकते हैं एकदम फाइन पाउडर नहीं है। कुकर में 4 से 5 टेबलस्पून तेल डालेंगे। 1 टीस्पून राई। राई को थोड़ी क्रैकल होने देंगे। राई क्रैकल हो गई है, गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन डालने से गुआर की सब्जी एकदम अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी। 1/4 टीस्पून हींग। 1 मीडियम साइज का टमाटर मिक्सर जार में डाल के पेस्ट बनाई है, ये पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। टमाटर की पेस्ट को तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे कुक कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट लगातार चला के तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे भून लिया है। मसाला हमने कूटा है, ये डाल देंगे। पूरा मसाला हमें डाल देना है। धीमी आँच पर इसे भूनेंगे। 1 से 1.5 मिनट मसाले को अच्छे से भून लिया है। मिक्सर जार में 1/2 कप पानी डाल के ले लिया है। मसाले को अच्छे से कुक करेंगे, मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे मसाले को अच्छे से भून लिया है। पानी हमने डाला था वो पूरा सूख गया है और तेल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। इसमें हम गवार डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे और धीमी आँच पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे लगातार चला के भूनेंगे। 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। अच्छे से चला लेंगे। 1 टीस्पून चीनी डालने से ये मीठा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा आएगा और गवार का कलर भी एकदम हरा रहेगा। 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से भून लिया है। पानी डालेंगे। 3/4 कप जितना पानी डाला है। अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून जितना। कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी तक कुक करेंगे। कुकर ठंडा हो गया है, सब्जी बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अच्छे से चला लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे कुक करेंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे।
गैस ऑफ कर देंगे। एकदम टेस्टी गवार की सब्जी रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म फुल्का, रोटी, चपाती, पराठा, ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दाल चावल के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। ढाबा स्टाइल गवार की सब्जी बनके रेडी हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।